स्तर की कैंसर देखभाल सेवाओं और कैंसर मुक्त समाज के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के अपने प्रयास को जारी रखते हुए SCG NCHRI कैंसर केंद्र नागपुर ने 17 नवंबर 2022 को अस्पताल परिसर में समाज के सबसे उपेक्षित समुदाय यानी ट्रांसजेंडर और एलिजिबिलिटी समुदाय के लिए एक दिवसीय निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान SCG के COO वेंकटेश्वरुल मारप्पा द्वारा दी गई, जहां ट्रांसजेंडर समुदाय की 75 से अधिक लोगों ने निशुल्क कैंसर जांच सेवाओं का लाभ उठाया है। इस कैंसर स्क्रीनिंग पैकेज में मेमोग्राफी, USG, पेप सीमियर, जब और जहां आवश्यक हो नियमित रक्त जांचें, SCG की विशेषज्ञ टीम जैसे कैंसर चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट, योग चिकित्सक और साइको ऑन्कोलॉजिस्ट द्वारा परामर्श शामिल है। यह कार्यक्रम सारथी ट्रस्ट के सहयोग से SCG कैंसर केंद्र नागपुर द्वारा आयोजित किया गया है। साथ ही ट्रस्ट विदर्भ का पहला समुदाय आधारित संगठन है जो पिछले 18 वर्षों से नागपुर में LGBT समुदाय के स्वास्थ्य, मानव अधिकारों और कानूनी अधिकारों के लिए कार्यरत है। मीडिया से चर्चा के दौरान अस्पताल के CEO वेंकटेश्वरुलु मारप्पा ने कहा कि यह कार्यक्रम सिर्फ एक दिन का शिविर नहीं है, यह हमारा मिशन है कि हम समाज के सबसे उपेक्षित हिस्से की प्रत्येक व्यक्ति को कवर करें और उन्हें मुफ्त कैंसर जांच की सेवाएं प्रदान करें। यह कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेगा। इस नेक काम में आगे आने और SCG के साथ उनके सहयोग के लिए हम सारथी ट्रस्ट को धन्यवाद देते हैं, ऐसा भी वेंकटेश शेरवालु मारप्पा द्वारा कहा गया। सेम गोस इन द क्रिसमस स्पीड फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 इयर्स वी डेफिनेटली फील द डॉक्टर्स द स्पेशलिस्ट इन ऑन्कोलॉजी विल बी वेरी लेस दे विल नॉट बी एबल टू कैटर सर्विसेज टू द एंटायर पॉपुलेशन सो इट इज इन आवर हैंड्स दैट हाउ वी टेक केयर अबाउट आवरसेल्फ हाउ वी गेट स्क्रीन्ड एट इनिशियल लेवल so that we can diagnose the disease at starting level and the treatment will be very easy and expectancy will come down and quality of life also comes down. So our sincere advice, sincere request for all the press who is present here, request to you propagate a word about cancer awareness. डॉक्टर शुश मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो इस अभियान के प्रमुख सलाहकार भी होंगे, उन्होंने कहा कि अमेरिका में विशेषज्ञों द्वारा किए गए दो अलग अलग अध्ययनों ने भारत और थाईलैंड में ट्रांस वुमेन के बीच क्रमशः लगभग 56% और 42% कैंसर होने की पुष्टि की है। उन्होंने दोहराया कि एक जिम्मेदार स्वास्थ्य सेवा प्रदाता होने के नाते हम सभी को आगे आना चाहिए और अपने समाज के कम विशेष अधिकार प्राप्त हिस्से की मदद करनी चाहिए। स्क्रीनिंग और जो बाकी के हम लोग जो कैंप्स करते हैं, इसका रीजन बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो इंसिडेंस है वो कैंसर के बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले हम लोग को लगता था कि सिर्फ ये कुछ शहरों तक या कुछ सीमित तक है या कुछ गांव तक ही सीमित है, लेकिन अभी जिस रेट से हम लोग को कैंसर रेट बढ़ रहे हैं उस हिसाब से स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन दोनों ही बहुत जरूरी है। तो SCG हॉस्पिटल हमेशा ये प्रयास करता रहता है कि कैंसर के रिलेटेड अवेयरनेस में फॉर एग्जांपल कि जैसे पिछला मंथ अक्टूबर महीना हम लोग ब्रेस्ट कैंसर करके सेलिब्रेट करते हैं, तो इसमें भी हम लोग पेशेंट को बताते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर को हम लोग अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं, यानी कि जल्दी निदान लगा ले तो उसका ट्रीटमेंट और सर्वाइवल दोनों बढ़ता है। फॉर अगर हम देखें कि स्टेज 1 जो ब्रेस्ट कैंसर रहते हैं जो कि मेमोरी ज्यादातर मेमोग्राफी से डिटेक्ट किए जाते हैं, उसमें स्टेज 1 में क्योर रेट इज ऑलमोस्ट 95%, यानी कि 95-98% पेशेंट क्योर हो जाते हैं स्टेज 1 या 2 में डिटेक्ट किए तो। लेकिन हमारे जो SCG हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं वो मोस्टली स्टेज 3 के पेशेंट्स रहते हैं, तो जितना ज्यादा स्टेज बढ़ते जाता है, जितना ज्यादा डिजीज का एडवांस स्टेज होता है उतना क्योर रेट कम होते जाता है। इसीलिए हम लोग ब्रेस्ट कैंसर में पेशेंट्स को और पेशेंट्स के रिलेटिव को हम लोग एडुकेट करते हैं कि कैसे इसके लिए हम लोग इसको अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या किया जा सकता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में मैमोग्राफी अगर 40 इयर्स एज से। इस कार्यक्रम का संयोजन सारथी ट्रस्ट के निकुंज जोशी, SCG की डॉक्टर कमलजीत कौर और SCG कैंसर सेंटर के सहायक स्टाफ ने किया। कैमरा पर्सन अमोल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।